मैं प्रिया और वही पुराने दीप तो प्रिया दीप करते हैं आप सभी का स्वागत हमारे प्रिया दीप ब्लॉग चैनल में। सो एक मिनट, काफी सारे लोग बोलते हैं आपकी घड़ी में कुछ दिखता नहीं, सिर्फ काला काला दिखता है। तो अभी मैं इसको इसका जो ये है सही कर दे रही हूँ। देखिए कितना बज रहा है, दिख गया ना 4:51 शाम के बज रहा है। यार ये वॉच रुक क्यों गई, सी कैसे गई है भैया? कुछ किया होगा, टाइम अभी ले लेगा ऑटोमेटिक। 6:10 हो रहा है इसमें वही। अरे यार 6:10 हो रहा है, तभी तो मैं सोच रही हूँ इतना अंधेरा हो गया और 4:51 पे इतना अंधेरा, मतलब पॉसिबल कैसे है। तो आज हम लोग चल रहे हैं प्रयागराज, बाप बेटे एक जैसे पहन लिए हैं, हम ही कहीं नहीं रहते, हमारा हमेशा अलग रहता है। तो हम लोग अभी हाँ एक्चुअली हम कार में बैठे थे, हमें लग रहा था कि ओम हाँ इसका ऐसे ही बड़ा ही है, इसका जो पैंट है बहुत ही बड़ा है, वो एक थोड़ा सा नए ट्रेंड में तो नहीं है, वैसे ही है तो बड़ा बड़ा ही है। चलो बैठ जाते हैं, पैंट आपका बड़ा है तो चलो कहाँ चलना है, हम लोग चल रहे हैं पानी बता से। चलो ठीक है जैसे कड़ू हो तो मैं पानी आ गया आपके भगवान इतने बड़े फूडी हो कैसा है तिवारी जी? बालो अच्छे। अच्छा जूस अच्छी। ओके गुड। सो फ्रेंड्स रात के बजने वाले हैं 9, हम आ गए हैं भाई के पास, भाभी तो है नहीं बगल में सब्जी का तड़का लगाएं और वो मतलब सांस फूल रही है ऐसे, भाई से बोले साथ में चले चलो, लेकिन बोला नहीं अभी आओ पहले चलो पानी वानी पी लो इसके बाद चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है। ए प्रत्यय क्या कर रहे हो अभी की? चलो भाई साहब मैं चल रही हूँ, सबसे पहले मेकअप रिमूव करूंगी, आज मैंने मेकअप किया हुआ था, इसको रिमूव कर लेती हूँ ताकि रात में आराम से सो जाऊँ, कुछ ना करना पड़े, मिलते हैं। सो फ्रेंड्स भाई ऑफिस से आते टाइम कहीं का प्रयागराज में कहीं बहुत फेमस है आलू का पराठा बनाते हैं, तो पैक करा के लेके आया सबके लिए, तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ और अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मेरे मायके में कभी कोई काम नहीं करी हूँ, मैं मेरे ब्लॉग में आपको बताई ही हूँ। तो दीप वही बोल रहे थे कि पहली बार तुम, हमें लग रहा है तुम दोनों भाई प्रियंका से जो है खातिरदारी करा रहे हो इनसे, तो वही मैं हंस रही हूँ, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है भाई, लोगों से पूछ लो तुमको अगर लगता हो कि ऐसा है तो ऐसा नहीं है। तो दीप भाई से पूछ लिया तो भाई ने बोला नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केयर करती थी हम लोगों की, अरे भाई भाई हैं हमारे तो हम करेंगे नहीं केयर, तो मैं यहाँ पर बस पराठे एक एक पराठे निकाल के बाकी सब ढक के रख दे रही हूँ, तो इससे ना पराठे गर्मा गर्म ही रहेंगे। और भाई बोला कि यहीं सब बैठ के खा लो क्योंकि ये जो चादर है धुलने के लिए जाने वाली है, तो हम लोग नीचे बैठने वाले थे लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है प्रयागराज में इतनी ज़्यादा ठंडी है, भाई बोला नहीं बिल्कुल नहीं तुम लोग यहीं पर बैठ के खा लो, हम लोग भी खा लेते हैं और वैसे भी अब ये सब जाना है धुलने के लिए, भाभी है नहीं तो भाई घर पर धुलता नहीं है, टाइम ही नहीं है ना तो राहुल के पास ना तो मोहित के पास, तो बाहर से सब धुल लिया जाता है। और मैं आज सच में अपनी भाभी को बड़ा मिस कर रही थी, वो होती है ना तो मैं कुछ भी मुझे नहीं करने देती हैं, तो बस यही है कि मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, पराठा है, सब्जी है, चावल है, दाल है, सब कुछ लेके आया है भाई, तो मैं निकाल लेती हूँ। एक काम करती हूँ मैं लगा देती हूँ म्यूजिक, आप लोग म्यूजिक एंजॉय कीजिए, इसके बाद आप लोगों से मैं मिलूंगी, लेट हो रहा है हम लोग कहीं चलने वाले हैं। अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना ये रूम में जो आप ये सब कुछ देख रहे हो, आपको याद ही होगा कि एक बार भाई लोग मेरा बर्थडे प्लान किए थे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो उसी में स्टिकर वगैरह लगाए थे और इस रूम में पहले भी 2-3 बार ऐसा सेलिब्रेशन हो चुका है तो इसीलिए दाग धब्बा लगा हुआ है, तो ठीक ही है। और कलर आईफोन में कुछ ज़्यादा ही आता है, अगर
किसी भी चीज़ पे आपको थोड़ा भी दाग धब्बा थोड़ा सा भी है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। जो लोग आईफोन यूजर हैं उनको ये चीज़ पता होगी, वो कमेंट नहीं करते, बाकी जिनको नहीं पता है सिर्फ नाम सुने हैं ना वो बोलते हैं कि अच्छा आईफोन ऐसा है। आईफोन में सिर्फ आपको फ़ोटो अच्छी मिलती है, वीडियो देखो भाई जो एडिटर हैं अच्छे खासे हैं, जिनको नॉलेज है वो भले ही अच्छा कर ले, बट हम जैसे नॉर्मल इंसान बस ले लिए हैं, एक ख्वाहिश ही शौक थी और एक नाम सुन के कि लोगों ने इसको इतना हवा बना दिया आईफोन। मेरे पास काफ़ी सारे यूट्यूबर जिनका कॉल आता है कि प्रिया लेके मैं पछता रही हूँ, मैं पछता रही हूँ, एक ही नहीं कई सारे लोग हैं जो लेके पछता रहे हैं। तो बस यही होता है कि हम लोग नाम सुन के ले लेते हैं और बाद में आज आराध्या होती तो क्यों मुझे करना पड़ता। ये नहीं कह रहे उसके किचन कब्जा करी हो, मिस कर रही हूँ। भाई बोल रहा था रहने दो, बट मैंने कहा यार अच्छा नहीं है ना, सुबह वो ऑफिस जाएगा कि बर्तन धुलेगा, तो मैंने कहा चलो धुल ले रहे हैं। वैसे भी नाखून नहीं है, निकलवा दिए हैं वो। तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ, मैंने स्पीड बढ़ा दी हुई है क्योंकि ब्लॉग नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता। मैं मेरा ब्लॉग सोचती हूँ जितना छोटा हो उतना ही कम हो। अब बर्तन में बता दूँ कितने सारे लोग हैं, हम हैं, भाई है, राहुल है, मतलब मेरे दोनों भाई हैं, दीप हैं, हम हैं और ड्राइवर है, तो इतने सारे लोगों के लिए इतना सारा बर्तन जूठा ही हो गया था। तो मैं जल्दी जल्दी से धुल रही हूँ और इसीलिए भी धुल ले रही हूँ। दीप वैसे मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि अगर तुम्हारे नाखून लगे होते एक्सटेंशन होता तो तुम बहाने ले लेती, अब तो तुम्हारे नाखून भी नहीं है, अब क्या बहाने लोगी ये बताओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, और एक्सटेंशन होता है तो सच में हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बचाना होता है। बट यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा काश सच में इतनी स्पीड बढ़ा के हम हमारे काम को कर लेते तो कितना अच्छा होता है ना। तो बस मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धुल दिए हुए हैं, मैंने बोला यार मेरे कपड़े भीग गए तो अब हम चल रहे हैं हैंड वॉश करने। तो यहाँ किचन में तो था नहीं कुछ हैंड वॉश के लिए, भाभी है नहीं तो भाई लोग किचन का देखो क्या हाल बना दिए हैं। रिकॉर्डिंग मेरे भाई ने की हुई है तो जैसे पाया वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, इग्नोर करना बस था कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। और रात के वीडियो हैं तो क्वालिटी आपको वैसे भी अच्छी नहीं मिलेगी और मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, मजबूरी बोलो चाहे जो, अब मुझे आईफोन से ही रिकॉर्ड करना है क्योंकि कैमरा ब्लॉगिंग के लिए हैंडी नहीं है। हाँ लखनऊ में मैं कभी कभी कर लेती हूँ कैमरे से ब्लॉग, बट ट्रैवल के लिए मैं कैमरा लेके नहीं चलती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी रात के बज गए हैं 10:01, ये देखिए, और जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। आते टाइम भाई लेके आया था बाहर से मटर का पराठा और आलू का पराठा और चावल सब्जी दाल। हाँ ये देखो ये अभी की साइकिल है, हाँ उसी की साइकिल से खेल रहे हैं। और ये बच्चे देखो क्या ये इतने प्यार से भाभी ने वॉलपेपर लगाया था, बच्चे जब बड़े थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना तो यही सारी शरारत करते हैं। लेकिन मैंने नहीं की। हाँ आपने नहीं की हुई है। तो जस्ट मैं आ रही हूँ और मैंने फेस वॉश कर लिया, सारा मेकअप रिमूव कर दिया, फेस वॉश वैसे वाइप्स नहीं थी मेरे पास। हाँ तो यहाँ पर लाइट बहुत ही कम है और कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं आईफोन से कर रही हूँ। जब तक प्रॉपर लाइट नहीं रहती आईफोन काम नहीं करता है, जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनको पता ही होगा। सो अभी मैं जस्ट बर्तन धुल के फ्री हुई और जब मैं बर्तन धुल गई तो मुझे आराध्या की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। आराध्या यानी मेरी भाभी यूपी ब्लॉगर आराध्या, जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो गाँव में है, गांव में बच्चे का बर्थडे वो सब प्रिपरेशन वगैरह हो रहा है तो वो सारे ब्लॉग आपको मेरी भाभी के चैनल पे देखने को मिलेगा। अभी का बर्थडे आ रहा है तो हम लोग इस बार अभी का बर्थडे गांव से सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं भी रहूंगी लेकिन मेरा जो ब्लॉग है वो जाएगा फेसबुक पेज पे क्योंकि देखो एक ही कंटेंट हम सेम, मतलब भाभी मेरी वजह से कहती है पहले दीदी आप डाल दो इसके बाद मैं बाद में डालूंगी, फिर वो हो जाता है ना बट जाता है, जो हमारे व्यूअर है वो हमारा देख लेते हैं तो भाभी का नहीं, तो इसीलिए मैंने सोच लिया है कि जो चीज मेरे चैनल पे जाएगी वो भाभी के चैनल पे नहीं जाएगी, तो भाभी के चैनल पे जाएगी वो मेरे चैनल पे, मतलब थोड़ा हट के जाएगा, तो इसीलिए वो ब्लॉग आपको मेरे फेसबुक पेज पे देखने को मिलेगा। बाकी भाभी के चैनल पे तो देखने का मिलेगा ही, मैं कम्युनिटी लगा दूंगी आप लोग देख लीजिएगा। ए लोग इतना बक बक करना है कि मेरी बातें छुप जा रही है। सो अभी मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अरे भाई साहब आप लोग इतनी तेज तेज से बात करो, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ।
जहाँ पर ये सब जुट जाते हैं ना तो फिर वहाँ पर यही होता है। तो चलो मैं कर देती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलूंगी आप सबने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सो लॉट्स ऑफ लव। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपने काफी एंजॉय किया होगा।